ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर यह कि सवाई माधोपुर विधायक के ट्वीट से एक बार फिर से सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। दानिश अबरार ने ट्वीट के जरिए लिखा कि सवाई माधोपुर की जनता को बेसब्री से वन मंत्री का इंतजार है। इस दौरान कुछ सवाल किए गए कि ईडीसी गाइड की भर्ती, रणथंभौर के मुख्य दरवाजे का शिलान्यास और जोगी महल का लोकार्पण आखिर कब होगा। विधानसभा और रणथंभौर फाउंडेशन की सभा में ये वादे किए गए थे, अब ये वादे पूरे होने की बात जो हो रही है। आरोप सीधा दानिश अबरार का अपने ही मंत्री पर कि उन्होंने वादे किए और वादे करने के बाद ये वादे पूरे क्यों नहीं हुए। हमारे साथ विधायक दानिश अबरार जुड़ गए हैं। दानिश, क्या ये माने कि आपकी ही सरकार में आपके ही मंत्री आपके ही इलाके के विकास के कार्यों को सुन नहीं रहे हैं, लटका रहे हैं? जी नहीं, अभी आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया है कि मैं आरोप लगा रहा हूँ, जी, तो ये कहना गलत होगा कि मैं कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहा हूँ। जी, आज सवाई माधोपुर की जनता ने हमें यहाँ से चुना है, विधानसभाओं भेजा है और सवाई माधोपुर के लिए मुख्य तौर पे रणथंभौर ही एक वहाँ पे जीवन यापन का साधन है और वहाँ की गाइड की भर्ती जो होनी थी वो माननीय हाईकोर्ट ने एक एलएसी कमेटी बनाई थी। जिस एलएसी कमेटी की जो बैठक हुई थी वो हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में हुई थी और उस बैठक में ये घोषणा हुई थी कि 1 अक्टूबर तक ईडीसी गाइड्स की भर्ती हो जाएगी, लेकिन किसी कारण से भर्ती नहीं हुई। उसके बाद रणथंभौर फाउंडेशन की सबसे बड़ी बैठक हुई थी करीब 1.5 महीना पहले, उसमें फिर से निर्णय लिया गया था कि 31 दिसंबर तक भर्ती हो जाएगी, लेकिन वो फिर से नहीं हो पाई। और साथ में रणथंभौर के मुख्य दरवाजा बनाने की मैंने मांग करी थी बजट सत्र में, जी, जिसे माननीय मंत्री जी ने विधानसभा में माना था और घोषणा करी थी कि विधानसभा के अंदर कि वहाँ पे एक अच्छा बड़ा मुख्य दरवाजा बनाया जाए, जी, और साथ में जोगी महल हमारा एक बहुत प्रसिद्ध है, उसका भी काम वापस रेनोवेट किया है, उसका लोकार्पण होना था। ठीक है दानिश, मैं शब्द वापस ले लेता हूं कि आपने आरोप लगाए तो जरा बताइए ट्विटर पर जो लिखा गया उसके पीछे का मकसद क्या था? क्या आप ये मानते हैं कि मंत्री जी तक बात नहीं पहुंच रही और ट्विटर एकमात्र माध्यम? नहीं, माधोपुर की जनता की ये मांग थी, माधोपुर की जनता की मांग है, इस मांग को लेकर मैंने माननीय मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, ठीक, इस मांग को लेकर मैं माननीय मंत्री जी से मैंने मुलाकात करी, इस मांग को लेकर मैंने माननीय मंत्री जी से दोबारा मुलाकात करी। तो जो भी सरकार के लेवल पे काम करना है सरकार भी कर रही है, मैं मांग भी उठा रहा हूँ, मैं मिल भी रहा हूँ, जी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जवाबदेही मेरी विधानसभा की जनता के प्रति भी है, जी। तो मैंने आज ट्विटर पे इसलिए ये बात लिखी है कि जो मैं मेरी सरकार से बात कर रहा हूँ, सरकार प्रयास कर रही है, वो बात अपनी जगह है, लेकिन साथ में मेरी जनता को भी मालूम होना चाहिए कि मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और मेरी तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो वन मंत्री हैं उनकी जो मेमोरी पावर है वो इतनी कमजोर हो चली है कि बैठकों में जो फैसले लिए गए वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जो मेमोरी पावर वर्ड है ये फिर से मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, आपने कहा है, हमारी सरकार की, हमारे वन मंत्री जी की सबकी मेमोरी बहुत शार्प और बहुत अच्छी है, जी। ये सरकार के विभागों के अंदर जो बैठे हुए अधिकारी हैं मैं समझता हूँ उनकी कोई ना कोई कोताही है जिसकी वजह से ये घोषणाएं पूरी नहीं हो पा रही, जी। और जैसा कि मैंने कहा मैं मेरी जनता के प्रति जवाबदेही हूँ, मुझे मेरी जनता को जवाब भी देना है जिन्होंने वोट देकर यहाँ तक पहुँचाया है, जी। और उन्हीं की वजह से आज सरकार है, उन्हीं की वजह से हम विधायक हैं। ठीक है दानिश, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। उम्मीद करेंगे कम से कम ट्विटर